हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू मारुला क्लासेस. आपका हार्दिक स्वागत है. आज हम करने वाले हैं निम्स एंड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही जबरदस्त सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो कि बड़े ही हेल्पफुल होंगे निम्स एट के एग्जाम में. ठीक है, चलिए. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिससे कि आप देख रहे हैं. इसमें बोला जा रहा है कि 8% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल इन द सेम ऑर्डर फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंस. ये यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है. कहा है इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में है. ठीक है, तो इसी ऑर्डर में इनको बैठा दो, इसी ऑर्डर में बैठा दो. ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ऐसे बैठा दिया हमने. इफ वी सिट्स टू द वी सिट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वी नॉर्थ में है. यदि वी नॉर्थ में है देन वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ एस, एस की पोजिशन क्या होगी. ठीक है, अब देखो भाई, डायरेक्शन की बात करें तो यदि नॉर्थ है तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज क्या आता है, ईस्ट आता है. तो यहां से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ हो जाएगा. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपोजिट होते हैं, तो जो एस की डायरेक्शन है वो साउथ और वेस्ट के बीच की है, तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट. ठीक है, बस आंसर डायरेक्टली आ जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऐसा ही ये क्वेश्चन एक और है, सिमिलर इसी टाइप का है बिल्कुल. ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है. ए ई आई ओ यू एच एफ एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन क्लॉकवाइज मैनर इन द सेम सिक्वेंस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. यहां पे बोला है सेम सिक्वेंस में. ठीक है, इसी सिक्वेंस में इनको बैठा दो. ए ई आई ओ यू एच एफ डब्ल्यू. ठीक है, फिर आगे बोला है देन ओ एंड एफ इंटरचेंज देयर पोजिशन. ओ एफ अपनी पोजिशन चेंज कर ले, यहां एफ आ जाए, यहां ओ आ जाए. ठीक है, इफ एच इज फेसिंग नॉर्थ, एच यदि नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है नॉर्थ, देन विच डायरेक्शन विल ओ बी फेसिंग. तो ओ कहां फेस करेगा. अब देखो, यदि हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पर नॉर्थ ईस्ट ही आता है, तो ओ का जो फेस होगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा. तो डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पर 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट आता है, क्योंकि यदि नॉर्थ यहां है तो 90 डिग्री पे ईस्ट आएगा. ठीक है, बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा. बात समझ में आ रही है आपको. चले आगे. चलिए अब क्या बोला जा रहा है. एट बॉयज पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल. पी एंड क्यू आर सिटिंग अपोजिट टू इच अदर. पी और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं. ठीक है, चलिए. पी और क्यू अपोजिट हैं. अब देखो, हमें स्टार्ट करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन हो. एस सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, एस सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी. चलो पी और क्यू को हम यहां बैठा देते हैं. अब इसमें बोला है एस सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, एस पी के सेकेंड राइट है, राइट इधर चलेगा. एंड वी सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, वी क्यू के सेकेंड राइट है. ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज. बात समझ में आ रही है. पी डब्ल्यू अपोजिट टू इच अदर, पी एंड डब्ल्यू आर अपोजिट टू इच अदर. अब देखो, अपोजिट आएंगे तो कहां सकते हैं, यहां पे आ सकते हैं, यहां पे आ सकते हैं. चलो टी डब्ल्यू अपोजिट है. आर सिटिंग बिटवीन पी एंड वी, आर पी और वी के बीच में है, तो ये जो टी डब्ल्यू है ये अब यहीं पे आ सकता है. टी डब्ल्यू या इधर टी इधर डब्ल्यू, यहां एक लेटर जो बचा हुआ आ जाएगा पी क्यू आर एस टी यू वी, यू बचा.
What is the position of T with respect to Q? Q के respect में T की position है या तो second right है, नहीं नहीं sorry, Q के respect में है या तो immediate left है, immediate right, इमीडिएट राइट ऑप्शन में है नहीं तो थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। बोला है कि एट एग्जीक्यूटिव्स हैं जेकेएल एमएनओ पीक्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग जे सेकंड टू द राइट ऑफ पी। टोटल एट है तो पहले इक्विडिस्टेंस पे आठ निशान लगा लो, जे पी के सेकंड राइट है, जे सेकंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, जो के थर्ड राइट में है, वन टू थ्री ऐसे हो जाएगा। एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, ओ, ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे एंड एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ऐसे हो जाएगा एम ओ के सेकेंड लेफ्ट में है। एल इज नॉट नेबर ऑफ के एन, एल के एन का नेबर नहीं है तो एल के नेबर में नहीं आएगा, एल इधर आ जाएगा। और साथ में ये भी बोला है एन का नेबर भी नहीं है, एन का नेबर भी नहीं है तो एन यहां पे नहीं आएगा, एन इधर आ जाएगा। एक लेटर जो बचा वो यहां जाएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू बचा। Who is immediate left of L? L के immediate left कौन है? J है। Answer will be option C। बात समझ में आ रही है आपको? चलें आगे। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, बोला है एट पीपल ए टू एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, फोर पीपल आर सिटिंग एट फोर कॉर्नर्स एंड फेसिंग टुवर्ड्स फेसिंग आउटवर्ड्स एंड फोर पीपल आर सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द फोर साइड्स एंड फेसिंग टू द सेंटर। कुल मिला के ऐसा कुछ बोला गया है कि टोटल आठ पर्सन है, चार बैठते हैं कॉर्नर पर जिनका फेस बाहर की तरफ है और चार बैठे हैं साइड के मिडिल में जिनका फेस इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, ठीक है। लेटर विच आर नेबर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आर नॉट नेबर्स हियर। इंग्लिश अल्फाबेट में जो नेबर्स होते हैं वो यहां नेबर्स नहीं है, ठीक है। चलिए, ई थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द साइड। अब देखो साइड के मिडिल में कौन है, साइड के मिडिल में है सी, तो सी ले लेंगे हम यहां बीच में, ठीक। अब सी साइड के मिडिल में है तो सी का फेस सेंटर की तरफ है, अब राइट में वन टू थ्री ई यहां जाएगा। अब ई कॉर्नर पे आ रहा है तो ई का फेस बाहर की तरफ है, ठीक है। एच सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एच ई के सेकंड लेफ्ट है, एच इधर आ जाएगा क्योंकि ई का फेस बाहर है तो लेफ्ट इधर रहेगा। ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो ए जी के इमीडिएट लेफ्ट में है और जी सी का नेबर नहीं है, ये बताया गया है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन ये भी थी कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में नेबर्स हैं वो यहां नेबर्स नहीं है, तो देखो ये बताओ जो डी है वो ना तो सी के नेबर में आएगा ना ई के नेबर में आएगा, तो डी यहां जाएगा, ठीक है। डी सी और ई का नेबर नहीं होगा। अब ए और जी इनको कहां सेट करें, तो हमें पता है दो सीट लगातार यही खाली है जिसमें जी सी के नेबर में आएगा नहीं, तो जी इधर ए इधर, जी का फेस अंदर है तो लेफ्ट ए लेफ्ट में आ गया। अब बी और सी नेबर बन नहीं पाएंगे क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में नेबर होते हैं, तो बी इधर आ जाएगा, बचा कौन एफ, एफ इधर आ जाएगा। अब बोला है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, तो एफ के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन, ठीक। अब देखो एक्सपर्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेसिक अप्रोच आनी चाहिए, यानी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए, शुरू कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स स्पीड, ठीक। चलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, सिक्स फ्रेंड्स ए टू एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल,
ओनली थ्री फ्रेंड्स आर फेसिंग टू द सेंटर, सेंटर की तरफ केवल तीन का ही फेस है। चलिए टोटल छह पर्सन है, तीन सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो तीन आउटवर्ड्स देख रहे हैं। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, हु इज फेसिंग द सेंटर, हु इज फेसिंग द सेंटर, सी इज फेसिंग द सेंटर। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, राइट हो जाएगा इधर, ठीक। आगे बोला है ए एंड एफ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ए और एफ सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी या तो दोनों इनवर्ड्स या दोनों आउटवर्ड्स, ठीक है, सेम। आगे बोला है एफ बी आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, एफ और बी इमीडिएट राइट है एक दूसरे के। अब दूसरे एक इमीडिएट राइट तभी होंगे जब एक देखेगा सेंटर की तरफ और दूसरा देखेगा आउटवर्ड्स, ठीक है। अच्छा एक इंफॉर्मेशन छूट गई यहां, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी ए के सेकंड लेफ्ट में है, तो मतलब देखो बी ए के सेकंड लेफ्ट में इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि सी है, तो यहां फेस बाहर करना पड़ेगा, बी इधर आ जाएगा। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यदि हम ए का फेस बाहर कर दें, ठीक है, और ए एफ सेम देख रहे थे, यानी ए यदि आउटवर्ड देख रहा है तो एफ बी बाहर देखेगा, और बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट देख रहे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे के राइट में थे, दोनों एक दूसरे के राइट में तभी आ सकते हैं जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो। तो यदि एफ बाहर देख रहा है तो बी अंदर देखेगा, इनवर्ट्स होगा, और बी का राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। बी के इमीडिएट राइट में एफ है, एफ के इमीडिएट राइट में बी है, ठीक है। बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। टी बी के कहाँ है, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, टी बी के इमीडिएट लेफ्ट है, और ये अपोजिट देख रहे हैं, तो यदि बी सेंटर की तरफ है तो डी कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। अब ये बोला था कि तीन देख रहे हैं इनवर्ड और तीन ही देख रहे हैं आउटवर्ड, तो बाहर देखने वालों में ए है, डी है, एफ है, तो ये वाला जो बचा ई, ये देखेगा अंदर की तरफ। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने बी बैठा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। फेसिंग इनसाइड भी है, फेसिंग आउटसाइड भी है। चलो ये तो सेम क्वेश्चन था, इस पे आते हैं। क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए जरा क्या बोला जा रहा है इधर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ओनली टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, केवल दो का फेस सेंटर की तरफ नहीं है, यानी दो पर्सन देख रहे हैं आउटवर्ड्स, बट सिट अपोजिट टू इच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। जी सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जी ए के सेकंड राइट है और सी के थर्ड राइट है जी, ठीक है। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी सी के सेकंड लेफ्ट में है, एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, डी बी के फोर्थ राइट में है, इसका मतलब है बी और डी अपोजिट होंगे, ठीक है। जब भी हाफ पे बात होगी मतलब अपोजिट बैठे हैं, जैसे टोटल एट है ना, एट का हाफ फोर, फोर का वाला अपोजिट होंगे, फोर्थ लेफ्ट कहे या फोर्थ राइट कहे तो अपोजिट होगा। ई सेकंड टू द राइट ऑफ एच एंड फेसिंग द सेंटर, ई एच के सेकंड राइट है और सेंटर की तरफ फेस है। वन ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग आउटवर्ड्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ए बोथ। देखो यहां से शुरुआत हम कर सकते हैं, टोटल कितने थे, टोटल थे एट। कहा कि जो बाहर की तरफ देख रहा है वो ए और जी के बीच में है, और ये भी बात कही थी ना कि जो दो बाहर देख रहे हैं वो तो आमने सामने ही है, मतलब अपोजिट बैठे हैं,
तो यानी जो बाकी होंगे उनका फेस सेंटर की तरफ होगा, उनका फेस सेंटर की तरफ होगा, ठीक। अब ए के राइट में जी है तो ए के सेकंड राइट में जी यहां जाएगा, ठीक है। यदि यहां हम ए रखते तो जी फिर इधर नहीं आता, लेफ्ट पड़ जाता इधर। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, टी सेकंड टू द राइट ऑफ सी, टी सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, और डी ए का नेबर नहीं है। चलिए, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट कौन है ये पता करना है, ठीक है। चलिए भाई, अब ए या जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये सी वाली इंफॉर्मेशन है, सी के थर्ड राइट पे जी है। अब देखो, सी के लिए दो पॉसिबिलिटी है, सी हम यहां ले लें तो भी थर्ड राइट हो जाएगा, सी हम यहां ले लें तो भी थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के यहां दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो चलो दो पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं। ए जी इनका फेस बाहर है, बाकी सबका फेस अंदर है, ठीक है। चलो, यदि हम सी यहां लें तो जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और यदि सी हम यहां लें तो सी का फेस बाहर है तो जी थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। सी के सेकंड राइट पे कौन है? डी है। सी के सेकंड राइट पे डी है, लेकिन बोला है डी ए का नेबर नहीं है, तो मतलब ये वाला गलत हो गया। यदि हम सी यहां लेते हैं तो गलत हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सी हम इधर ले लेंगे, ठीक है। मैं इधर ले लेता हूं क्योंकि इधर दिखाई नहीं दे रहा फिर आपको। सी के सेकंड राइट पे डी है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, ये कंडीशन हो गई, सी के सेकंड लेफ्ट पे बी है तो बी इधर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गई, बी और डी अपोजिट है, ठीक है, बी और डी अपोजिट है, ये हो ही गया है। एच के सेकंड राइट पे ई है और ई देख रहा है सेंटर की तरफ, तो एच के सेकंड राइट पे ई है और ई देख रहा है सेंटर की तरफ, यहां सेट हो जाएंगे, बचा हुआ यहां जाएगा, ए बी सी डी एफ, एफ बचा हुआ है। तो पूछा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट कौन है, तो एफ के सेकंड राइट पे कौन है? बी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी? तो कुल मिला के यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन गई, तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। यदि एक को लेके चलोगे तो हो सकता है आगे जाके गलत हो जाए, तो दो पॉसिबिलिटी ले लो तो आसान हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक। चलिए, इसमें बोला है कि 8% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी टोटल 8 हैं तो 4 देख रहे हैं सेंटर की तरफ, 4 देख रहे हैं बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, 4 इन और 4 आउट, ठीक। अब देखो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन। एक साथ दो से ज्यादा व्यक्ति सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लो दो का फेस यदि सेंटर की तरफ है तो तीसरे का फेस सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, उसका फेस बाहर की तरफ होगा, या दो का फेस बाहर है तो तीसरे का फेस अंदर ही होगा, ठीक। पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट में पी है, फेस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू हु फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और यू का फेस बाहर की तरफ है। चलो, इसको हम सेट कर लेते हैं। टोटल 8 पर्सन है, यू का फेस बाहर की तरफ है, ठीक है, और यू के दो छोड़ के पी है, यू के दो छोड़ के लेफ्ट में पी है, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू।
R sits opposite to W. R sits opposite to W. R और W opposite में है. Who sits to the immediate right of V? और W V के immediate right में है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. R is neither adjacent to P nor U. R ना तो P के adjacent है ना U के adjacent है. ना तो U के adjacent है ना P के. तो R के लिए ये दो पॉसिबिलिटी होती है भाई. ठीक है, तो हमें कुल मिला के एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. चलो थोड़ा सा इधर करके बना देता हूं. तो हमने शुरुआत की थी U से और दो छोड़ के पी था यहां. ठीक है, अब देखो एक में तो आर हम यहां ले लें और एक में आर हम यहां ले लें, तो आर पी और यू के एडजेसेंट नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है, दो पॉसिबिलिटी क्यों बनाई जा रही है. ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको. फिर आर के अपोजिट में डब्लू है, आर के अपोजिट में डब्लू है और डब्लू है वी के इमीडिएट राइट, तो वी और डब्लू पास लेने पड़ेंगे. और V के इमीडिएट राइट W है, तो V का फेस बाहर, यहां V का फेस अंदर, V के राइट में W बनाना है. ठीक है, चलिए अब ये तो हो चुका, ये भी हो चुका, दो पॉसिबिलिटी हमने ले ली. P एंड W फेस इन सेम डायरेक्शन, P और W सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. देखो दोनों बाहर तो कर नहीं पाएंगे इस वाले केस में. ठीक है, तो अंदर करेंगे क्योंकि दो से ज्यादा का फेस सेम डायरेक्शन में नहीं है. यहां पी डब्ल्यू दोनों बाहर करेंगे फेस, क्योंकि वी का फेस अंदर था. चलो आगे, टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, टी क्यू के राइट में है. टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, हु फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और क्यू का फेस बाहर की तरफ है. तो टी और क्यू दो लगातार है, तो ये हम यहां पर फिल कर सकते हैं. और Q का फेस बाहर की तरफ है, तो इस तरह हो जाएगा, T के राइट में Q है, Q का फेस बाहर है, यहां Q के राइट में T है और Q का फेस बाहर है. R S फेस सेम डायरेक्शन, R और S सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, S बचा एक. चलिए R और S सेम डायरेक्शन में है, तो देखो U बाहर है Q बाहर है, तो ये दोनों अंदर करेंगे R और S. ठीक है, ये बाहर P और Q बाहर है, तो T अंदर हो जाएगा. तो कुल मिला के R S V T ये अंदर की तरफ देख रहा है, तो ये वाला सही है. यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी. S Does not face away from the center, तो S तो अंदर देखेगा, S अंदर देखेगा तो R भी अंदर देखेगा, तो यहां लगातार तीन का फेस सेम डायरेक्शन में हो गया, इसलिए ये गलत है. ठीक है, यही बोला है ना कि दो एक साथ दो का फेस ही सेम डायरेक्शन में हो सकता है, दो से ज्यादा का फेस सेम डायरेक्शन में नहीं होगा. ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. बड़ी जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सब. तो चलिए आज के लिए इतना ही था. तो मैंने आज कितने सेट कराए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ सेट मैंने करा दिए हैं. ठीक है, तो जब आप बेसिक कंसेप्ट सीख जाते हो ना और अप्रोच क्लियर हो जाती है, तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व होते हैं. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट.